हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया था। हम एनिमल किंगडम में सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ चुके हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ जर्म लेयर्स, तो हमें जर्म लेयर के बारे में पढ़ना, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। इससे पहले हमने तीन चीज़ें कवर कर ली हैं। फर्स्ट हमने कवर किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला टॉपिक हमने कवर किया था। सेकेंड हमने किया था पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम, की डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, एनक्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। देन हमने बॉडी सिमेट्री के बारे में डिटेल में बात करी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, पहले आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। तो जर्म लेयर्स का क्या मतलब होता है, देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो सरफेस होते हैं, एक उसका अबोरल सरफेस होता है और एक उसका ओरल सरफेस होता है। ओरल सरफेस माउथ वाला और उसके अपोजिट वाला अबोरल सरफेस होता है। तो यहाँ पे लिखा है सेम चीज़, जो उस चीज़ को हम डोर्सल और वेंट्रल भी बोल देते हैं। लाइक अगर बाइलिटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, जैसे कि हम हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो वी आर बाइलिटरली सिमेट्रिकल, मतलब हम सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में काटे जा सकते हैं। तो हमारे पास दो बॉडी सरफेस हैं, एक तो हमारा डॉर्सल सरफेस है जिसको हम अपर सरफेस बोल देते हैं, और एक हमारा वेंट्रल सरफेस है जिसको हम लोअर सरफेस बोल देते हैं। तो जो डॉर्सल सरफेस है वो हमारी बैक साइड है, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो हमारी पीछे की तरफ की साइड है उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, जो हमारी अपर सरफेस है। और जो हमारी लोअर साइड है, जहाँ पे हमारे हार्ट वगैरह प्रेजेंट है, या जो हमारा फेस फ्रंट से दिखाई देता है, वो हमारी लोअर साइड है, वेंट्रल साइड हम इसको बोल देते हैं। तो इस तरीके से दो बॉडी के मतलब कि सरफेसेस होते हैं और दो एंड होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड, जो आगे का एंड होता है, जो फ्रंट एंड्स होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, जो बैक एंड्स होता है उसको पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। तो बायलिटरली सिमेट्री अरोज व्हेन द एनिमल्स बिकम मोबाइल, तो जब कोई भी एनिमल जो मूवेबल होता है उसी में बायलिटरली सिमेट्री जो है वो शो होती है। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, अब आती है जर्म लेयर की बात। जर्म लेयर के बारे में इतना याद रखना कि ऐसी लेयर्स जो हमारे ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को फॉर्म करती हैं, उन्हें जर्म लेयर्स बोलते हैं। मतलब जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो वहाँ पे इनर सेल मास होता है। जब रिप्रोडक्टिव के चैप्टर के बारे में कभी बताऊँगी तो उसमें बताऊँगी कि जो ब्लास्टोसिस्ट जब बन रहा होता है तो उसमें इनर सेल मास होता है, वो ऐसे मास होता है, ऐसे सेल्स का मास होता है कि उनमें हर एक सेल स्टेम सेल की तरह एक्ट करती है, और कोई भी सेल उसकी एक नए ऑर्गन या एक नए टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकती है। उनके अंदर ये टोटिपोटेंसी होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को कम्प्लीटली बना सकती हैं। तो इस तरीके से जो इनर सेल मास होता है वो तीन लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। एक होती है एक्टोडर्म, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, एक होती है मीजोडर्म, जो कि मिडल लेयर होती है, और लास्ट होती है एंडोडर्म, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है। तो एक्टोडर्म आउटर सरफेस बनाती है, जैसे हमारी स्किन वगैरह हो गई। मीजोडर्म जो मिडल लेयर होती है, जो कि लाइक अगर हम एग्जांपल सेट करें तो हर्ट आ सकता है इसमें, हर्ट हमारे मीजोडर्म से बनता है, नोटोकोड हमारी मीजोडर्म से बनती है। थर्ड हमारा होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म जो होता है वो हमारी ऐसी लेयर्स बनाता है जो सबसे इंटरनल लेयर्स होती हैं। तो इस तरीके से जर्म लेयर्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ओनली टू जर्मिनल लेयर्स, दैट इज एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड द इंटरनल एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ जिसमें सिर्फ या तो एक्टोडर्म होगी जो कि आउटर लेयर है, या फिर एंडोडर्म होगी, ये इनर लेयर है, बीच की मीजोडर्म इनमें प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और ये थोड़ा जो लोअर एनिमल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। देखो इसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म यहाँ पे दिखा भी रखी है कि ये देखो हमारी सीलोम की जो कैविटी है, ये सबसे हमारी गट है अंदर की, जो अंदर की जो हमारी फूड पाइप है वो है ये। उसके बाहर जो है यहाँ पे ये एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म यहाँ पे शो की हुई है। उसके बाद यहाँ पर मीजोडर्म की जगह एक अनडिफ्रेंशिएटेड जेली लाइक लेयर होती है, यहाँ पे लिखा है कि अनडिफ्रेंशिएटेड जेली लाइक लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म ये आउटर लेयर है जो यहाँ पे दिखाई गई है पूरी, और ये जो अंदर की लेयर है ये वाली, ये एंडोडर्म है, ये हमारी गट है जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, और इन दोनों के बीच में ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं।
इसी तरह अगर मैं ट्रिप्लो प्लास्टिक की बात करूँ तो ट्रिप्लो प्लास्टिक का मतलब है कि इसमें तीन लेयर प्रेजेंट होंगी, ये गट है, फिर ये एंडोडर्म है, और फिर ये मीजोडर्म है, और फिर ये एक्टोडर्म है। तो यहाँ पर क्या है, ये तीन लेयर्स प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा या फिर ये टिनोफोर्स में देखने को मिलता है, ये ट्रिप्लो प्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में एक तरीके से नहीं होती है कोई भी, मतलब एक्टोडर्म वो एक लेयर ऑर्गेनाइज्ड जो होती है उसमें लेयर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, वो एक सेल एग्रीगेट्स होता है, लूज एग्रीगेट्स। तो इस तरीके से हम ये सिर्फ कौन से लेवल से देखना शुरू करेंगे, निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा से और टेनोफोरा से। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करूँ तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं वो हमारी जो हायर एनिमल्स होते हैं उन सब में मिलता है। ये वाला जो लेवल है, ये वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों लेयर्स का, ये हम तीनों लेयर वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी एनिमल्स में मिलता है, जैसे कि प्लैटीहेल्मिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक ऑल एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला एडवांस्ड लेवल है। एक चीज़ आप इसमें देख पा रहे हो कि मैंने सिर्फ एक ही कैविटीज में, इसमें जो डायग्राम में सिर्फ एक ही कैविटी शो हो रही है, इसी बेस पे आप एक नया कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई सिलोम नहीं दिख रही है। सिलोम का क्या मतलब है, एक ये एंडोडर्म है, ये मीजोडर्म, सॉरी ये एंडोडर्म है और ये मीजोडर्म है, इसमें तो मीजोडर्म है ही नहीं, मीजोग्लिया है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है और एक्टोडर्म है, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों ही यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये ए सिलोमेट है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कैविटी आपको दिख रही है, दो कैविटी इसमें आपको नहीं दिख रही। अगर मानो कि यहाँ पर एंडोडर्म है और यहाँ पर मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म को आप बीच से तोड़ दो, इस बीच से तोड़ने के बाद क्या होगा, बीच में एक कैविटी बन जाएगी, एंड मीजोडर्म के बीच में एक कैविटी बन जाएगी पूरे में, और मीजोडर्म यानी कि एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर कैविटी, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म। तो इस तरीके से मीजोडर्म से लाइन होगी वो पूरी कैविटी, उस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। यानी कि सबसे पहले अंदर होगा एंडोडर्म, इस मीजोडर्म को आपने ब्रेक डाउन कर दिया दो पार्ट में, यानी कि तोड़ दिया, बीच से आप किसी चीज़ को इक्वली तोड़ देते हो, तो यानी कि बीच में एक क्या कैविटी का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन कैविटी के इस तरफ भी मीजोडर्म है और इस तरफ भी मीजोडर्म है, यानी एंडोडर्म, मीजोडर्म, फिर कैविटी, फिर मीजोडर्म और फिर एक्टोडर्म। तो ये हमारे पास क्या बनी है, अब ये जो बीच की कैविटी बनी है इसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, या फिर हम इसको बोलते हैं सीलोम। और ये सीलोम जो होती है ये एडवांस्ड एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट टाइम में, कि मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में कि ये सीलोम होती क्या है। ये सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे कैविटी एक ही दिखा रखी है, तो हम इसको ए सीलोमेट बोलते हैं, इनमें कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है। एक ऐसी कैविटी, एक ऐसी लाइनिंग जो कि दोनों साइड से, यहाँ से भी मीजोडर्म से कवर हो, और जब उसके मतलब कि ये वाली, ये तो गट कैविटी हो गई, ये फिर हमारे पास एंडोडर्म हो गई, फिर एंडोडर्म के बाद यहाँ पर मान लो फिर से मीजोडर्म आ गई, मीजोडर्म इसकी आउटर लेयर आ गई, फिर एक कैविटी बनी, बहुत बड़ी सी कैविटी बनी, और फिर दोबारा मीजोडर्म आई, और फिर से क्या आ गया, एंडोडर्म, एक्टोडर्म आ गई। तो इस तरीके से ये जो कैविटी बनी, ये वाली कैविटी हमारी कौन सी होती है, ये वाली कैविटी है हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद ए सिलोमेट एनिमल में जो मिलेगी, तीनों लेयर्स होंगी इसमें, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगी, ठीक है। तो इनको कोऑर्डिनेट करके चलना कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या ये चीज़ पाई जा रही है या ये नहीं पाई जा रही है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के चलना। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक नॉलेज क्लाउड है कि वाई स्पॉन्जेस आर नॉट कॉल्ड एज ए ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पॉन्जेस इससे भी नीचे होते हैं, पॉरीफेरा इससे भी नीचे होते हैं। इन स्पॉन्जेस ऑल द बॉडी सेल्स आर एग्रीगेटेड बट दे डू नॉट फॉर्म द डेफिनेट लेयर्स एज सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, क्योंकि उसमें सेल का जो एग्रीगेशन होता है वो बहुत ही लूज होता है, इसीलिए स्पॉन्जेस को ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक नहीं कहा जाता। दैट्स वाई दे आर नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो इन एनिमल्स को आप देखो और बताओ कि किस तरीके की बॉडी पोजेस करते हैं, बॉडी सिमेट्री इनमें किस तरीके की है। तो ये वाला जो है ये एडम्सिया का एग्जांपल यहाँ पे दिखा रखा है, और ये सिलेंट्रेटा के अंदर आता है, इसीलिए इसमें सिलेंट्रेटा लोअर फाइलम है, तो ये रेडियल सिमेट्री शो करेगा क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। ये है बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्योंकि ये बटरफ्लाई है जो आर्थ्रोपोडा किंगडम में आती है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आती है, सॉरी। तो इसको हम एक हाफ से कट करेंगे तो ये हमें दो इक्वल हाफ देगी सिर्फ एक प्लेन से कट करने पे, तो इसलिए क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल शो खुद करती है। नेक्स्ट फीचर हमारा सिलोम और बॉडी कैविटी ही है। आई होप मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही अच्छे से समझा पाऊँ, बट स्टिल एक बार चेक करते हैं, कुछ ये यहाँ पे चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल किस में प्रेजेंट है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन चार दिए हुए हैं, क्या कोर्डेटा में प्रेजेंट होगी? नहीं, क्योंकि कोर्डेटा हायर लेवल पे है। हमारे अंदर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री का कैनाल का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही अपर्चर होना चाहिए ओपनिंग के लिए, बट हमारे पास भी दो अपर्चर होते हैं। एस के हेलमिंथ एडवांस्ड लेवल है, इसमें भी दो अपर्चर होते हैं। प्लेटी हेलमिंथ इसमें भी कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सॉरी इकाइनोटम्स में भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। प्लेटी हेलमिंथ जो है वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, इसीलिए वहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आप मुझे बताओगे कि प्लेटी हेलमिंथ ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, जो कि अभी हमने पढ़ा है उस बेस पे आप बताओगे कि प्लेटी हेलमिंथ किस किंगडम में आता है, किस उसमें आता है, मतलब कि ये हमारे पास किस तरीके का एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स दी हुई हैं, लाइक फर्स्ट है बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, मतलब ये वाला किस में प्रेजेंट होता है बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट का मतलब है कि सेल्स लूजली अरेंज किस में होती है, ये तो हमें पॉरीफेरा में होती है पता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए वहाँ पर ना टिश्यू होता ना ऑर्गन होता। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, माउथ भी वही होगा और एनस भी वही होगा, तो उसे ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो ये वाला बॉडी प्लान किस में मिलता है हमें? प्लेटी हेलमिंथिस और सिलेंट्रेटा में मिलता है, वेयर एलिमेंट्री कैनाल हैज़ ओनली वन ओपनिंग। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब है? मैंने आपको अभी बताया है कि अंदर की लेयर जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर उसके बाद एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर कैविटी, और फिर से मीजोडर्म, देन एक्टोडर्म। तो इस तरीके से जो ये वाली कैविटी है, ये वाली कैविटी इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, बाहर वाली कैविटी जिसको सिलोम बोलेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर वाली कैविटी। ये वाला प्लान किस में होगा, यानी कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब प्रेजेंट है, तो ये वाला हमें मिलता है एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में, लाइक निमेटी हेलमिंथिस, मतलब एस हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। उसके बाद यहाँ पे प्रोटोस्टोम्स भी लिखा और ड्यूटेरियोस्टोम्स भी लिखा है। प्रोटोस्टोम का मतलब वो होता है जिसमें जो एनस होता है वो बाद में आता है, बाद में डेवलप होता है, और माउथ फर्स्टली डेवलप हो जाता है, यानी कि एनस डेवलप्स लेटर एंड माउथ डेवलप फर्स्ट, ये होते हैं प्रोटोस्टोम, फॉर एग्जांपल एनिलिड में, मोलस्का में और आर्थ्रोपोड में। और ड्यूटेरियोस्टोम्स वो होते हैं जिनमें माउथ फर्स्टली आ जाता है, माउथ पहले फॉर्म हो जाता है, सॉरी एनस पहले फॉर्म हो जाता है और माउथ बाद में फॉर्म होता है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं इकाइनोडर्म एंड ऑल कॉर्डेट्स, लाइक हम इनवर्टिब्रेट, इसमें वर्टिब्रेट्स भी इंक्लूड हैं। सो वी आर दस इवोल्यूशनरी क्लोजर टू द इकाइनोडर्म्स देन टू द इंसेक्ट और मोलस्क। क्यों? क्योंकि इकाइनोडर्म्स में भी क्या है, ड्यूटेरियोस्टोम्स नेचर है, हमारे अंदर भी ड्यूटेरियोस्टोम होता है, एनस फर्स्ट डेवलप होता है, माउथ बाद में डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इकाइनोडर्म, जिसका एग्जाम्पल स्टारफिश आता है उससे ज़्यादा क्लोज हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट इज आइडेंटिफाई द बॉडी सिमेट्री दैट इंक्लूड्स एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, जिसमें हम बोलते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अमंग द फॉलोइंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन, ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, देन ये है, देन ये है, तो एनेलिडा। द लेटर लेयर एब्सेंट इन द एम्ब्रियोज ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज मीजोडर्म, उसकी जगह क्या होती है, मीजोग्लिया। नेम द फाइलम विच इंक्लूड्स रेडियली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इसमें कौन सा आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर आना चाहिए। नेम द फाइलम विच इंक्लूड रेडियली सिमेट्रिकल, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके अडल्ट जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक की नेचर होते हैं इकाइनोडर्मेटा में। सो वी आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन द देन विद इकाइनोडर्मेटा देन इंसेक्ट और मोलस्क। तो यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है सीलोम और बॉडी कैविटी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।